अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज अल्काइल हैलाइड का सेकंड टॉपिक करेंगे, रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स में स्टार्ट कर रहे हैं। अल्काइल हैलाइड्स आर रिएक्टिव ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सो ये आपके पास रिएक्टिव होते हैं। व्हाई दे आर रिएक्टिव, सो बेसिक रीज़न आपके पास रिएक्टिविटी की पोलर नेचर है। जो इनमें कार्बन हैलोजन बॉन्ड होता है वो पोलर होता है। इसकी रीज़न, हैलोजन्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, आपके पास ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू कार्बन। कार्बन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, सो शेयर्ड पेयर इज शिफ्टेड टूवर्ड हैलोजन एटम। हैलोजन एटम गेट्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन पार्ट अल्काइल ग्रुप गेट्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। सो पोलरिटी बेसिक रीज़न है आपके पास हाई रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल ले रहे हैं CH3Cl, मीथाइल क्लोराइड। एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरिन इज ग्रेटर दैन कार्बन 3.0 and electronegativity of carbon is 2.5, so electron pairs are shifted toward chlorine. Chlorine gets partial negative charge and carbon gets partial positive charge. इस तरह जितने भी अल्काइल हैलाइड हैं उनमें कार्बन हैलोजन बॉन्ड पोलर होता है, और पोलर नेचर बेसिक रीज़न होती है इनकी हाई रिएक्टिविटी की। नेक्स्ट आपके पास रहता है रिएक्टिविटी ऑर्डर। अगर आप ऑर्डर देखें रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्काइल हैलाइड, देन मोस्ट रिएक्टिव अल्काइल आयोडाइड्स हैं। अल्काइल आयोडाइड मोस्ट रिएक्टिव, then alkyl bromide which is more reactive than alkyl chloride which is more reactive than alkyl fluoride. order आपको ये बता रहा है कि जो iodo compounds होते हैं वो आपके पास more reactive हैं, और इनमें जो fluoro compounds हैं यानी alkyl fluorides होते हैं वो least reactive होते हैं। अब इसकी रीज़न देख लेते हैं। आपके पास इसकी रीज़न आती है स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड। बेसिक फैक्टर है, की फैक्टर है जो रिएक्टिविटी कंट्रोल कर रहा है, सो स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड। अगर हम देखें तो ये जो स्ट्रेंथ है कार्बन हैलोजन बॉन्ड की, ये डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। सो स्ट्रेंथ डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। हैलोजन फैमिली में देख रहे हैं फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, डाउन द ग्रुप ये स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी। हम ये कार्बन हैलोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ एक्सप्लेन किससे करेंगे, बॉन्ड एनर्जी से। अगर आप इनकी बॉन्ड एनर्जीज देखें तो आपके पास जो फर्स्ट मेंबर है फ्लोरीन, कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड जो होता है उसके लिए 467 आपको एनर्जी रिक्वायर है, बॉन्ड एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर टू ब्रेक द बॉन्ड। सो 460 किलो जौल पर मोल ऑफ एनर्जी आपको चाहिए। फिर फ्लोरीन के बाद सेकंड मेंबर कार्बन क्लोरीन बॉन्ड पर आ जाएँ तो बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज हो गई है 346, फर्स्ट मेंबर 467। देन थर्ड मेंबर ब्रोमीन, कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए 290 किलो जौल पर मोल, और कार्बन आयोडीन को आपको एनर्जी चाहिए 228। इट मींस डाउन द ग्रुप आप देख रहे हैं एनर्जी डिक्रीज हो रही है, सो डाउन द ग्रुप एनर्जी डिक्रीजेस। सो यहाँ से प्रूव हो गया डेट कार्बन आयोडीन बॉन्ड इज़ वीकर, इट रिक्वायर लेस एनर्जी, आसानी से टूटेगा, मोर रिएक्टिव होंगे। एंड कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर है बिकॉज ऑफ बॉन्ड एनर्जी, इसकी प्रूव कर रही है, सो इट रिक्वायर मोर एनर्जी एंड इट इज़ लीस्ट रिएक्टिव।